हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अपडेट्स, ऑटोमेटिक अपडेट्स परमानेंट बंद कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो अपने अपडेट ज़रूर ऑफ करें, क्योंकि विंडोज़ 10 के जो अपडेट्स हैं वो आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट या दूसरे इंटरनेट का जो डाटा होता है बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ 10 में हम शॉर्टकट कीज से कैसे अपने काम को तेज़ी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक स्क्रीन में दो काम आप कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल इंटरनेट, तो आप एक स्क्रीन में दोनों कैसे एक्सेस करें, दोनों में एक साथ काम कैसे करें। तो इस तरह का मेरा वीडियो है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक स्क्रीन में जो विंडोज़ यूज़ करने के लिए, मैं सबसे पहले डेमो के लिए खोल रहा हूँ गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम को खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया है लगभग। तो इसको मैं राइट साइड में फिक्स करूँगा। तो राइट साइड में फिक्स करने के लिए जो कीज़ प्रेस करनी है उसका नाम है विंडोज़ प्लस राइट एरो कीज़। तो इससे, क्योंकि इसको हमने सेलेक्ट किया है तो ये राइट साइड में चला जाएगा। अब मैं दूसरा डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलने के बाद आप देख रहे होंगे कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिस की जो विंडोज़ है उसने गूगल क्रोम को पीछे कर दिया है, इसलिए मुझे गूगल क्रोम को देखने में परेशानी होगी। या तो मुझे नीचे जो इसके आइकन है वहाँ से क्लिक करके इसको आगे फ्रंट में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों दूसरा तरीका है कि विंडोज़ के लिए हमने किया, गूगल के लिए हमने किया विंडोज़ स्विच प्लस राइट, तो ये राइट में चला गया। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट को, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर क्लिक करके विंडोज़ कीज़ प्लस लेफ़्ट स्विच करेंगे, जो एरो है लेफ़्ट एरो, तो ये हमारा लेफ्ट में चला जाएगा। इसलिए दोनों विंडोज़ बिल्कुल एक स्क्रीन में बराबर दिखेंगी हमें और इसमें हम पूरी तरह से काम कर सकते हैं। तो अगली कमांड है विंडोज़ प्लस ई। इस कमांड को जैसे आप प्रेस करेंगे विंडोज़ स्विच प्लस ई, तो आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे, जिसमें कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, डाउनलोड होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, पिक्चर, वीडियो, सब कुछ होगा। डिस पीसी भी उसी में होगा। तो एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपको अपने पीसी की सेटिंग ऑन करनी है तो आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सेटिंग पर जाना होगा, लेकिन अगर कीबोर्ड से करनी होगी तो आपको एक स्विच दबाना होगा, विंडोज़ प्लस आई स्विच, विंडोज़ प्लस आई, तो आपके सेटिंग खुल जाएगी। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, सेटिंग का पूरा विंडोज़ आपके सामने खुल गई है, यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो अगली जो कमांड है दोस्तों वो बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है। वो कमांड ये है कि जो आपके टास्क बार में नीचे ऐप्स लगी हुई है, जैसे मान लीजिए मेल है, ये नीचे जो आपको ऐप्स दिख रही है, तो इनको आप बिना माउस से कैसे खोलें, बिना माउस के। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये जो ऐप्स हैं इनकी काउंटिंग याद रखनी पड़ेगी। यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 जैसे जैसे आगे होंगे तो ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। और जब आप विंडोज़ की प्लस कोई भी नंबर दबाएंगे, जैसे 6 तक है तो आप दबाएंगे विंडोज़ की प्लस 4 5 या जो भी दबाएंगे, तो वो नीचे टास्क बार से
जो भी उस नंबर पर एप्लीकेशन होगी वो खुल जाएगी जैसा मैं दिखा रहा हूँ। ये मैंने विंडोज़ की प्लस 5 नंबर प्रेस किया इसलिए गूगल क्रोम खोला। और ये विंडोज़ की प्लस 4 तो मेल खुली। तो इसी प्रकार दोस्तों आगे भी मैं आपके लिए कुछ टेक्निकल वीडियोस लाता रहूँगा जो विंडोज़ पर मोबाइल पर आधारित होंगे और कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स पर आधारित होंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।